कमल के पौधे में लगे काले सफेद कीड़ों से परेशान है, या जो है पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही हैं, या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे की कलियां झड़ जा रही हैं। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे काम करूंगी गुड़हल के पौधे पर जिससे आपके सभी समस्याओं के उपचार मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं किए हैं ये काम तो अभी कर लीजिए, और कुछ जरूरी काम है अगर इनको आप मंथली हर महीने करते रहेंगे, हफ्ता में एक बार करते रहेंगे, तो पौधे जो है आपके हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे, ना ही उनमें मिलीबग लगेंगे, ना ही एफिड का अटैक होगा, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा, और पौधे में नई ग्रोथ भी होती रहेगी, पौधे में कलियां भी नहीं गिरेंगी, पौधे हेल्दी ग्रोथ भी करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुड़हल का प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसको इस टाइम पर अगर थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो पूरे साल ही प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ करता रहता है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है और केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं उनमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, कुछ परेशानियाँ भी आती हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे तो प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ करता रहता है। सर्दियों में गुड़हल के प्लांट का जो है डोरमेंसी पीरियड रहता है, उस टाइम पर प्लांट एकदम रेस्ट पीरियड में रहते हैं, इनमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है। जो हाइब्रिड वेराइटी के रहते हैं उनमें फ्लावरिंग होती है। हाइब्रिड वेराइटी के प्लांट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनके साइज जो है बड़े रहते हैं और पैटर्न भी थोड़े से अलग रहते हैं। जैसे ही प्लांट डोरमेंसी से बाहर निकलते हैं तो जो है उनकी पत्तियां न्यू ग्रोथ करने लगती हैं। पौधों के डोरमेंसी से बाहर निकलने के साइन यही रहते हैं कि गुड़हल के प्लांट में न्यू ग्रोथ आने लगती है, और जब न्यू ग्रोथ आती है तो आपको जो है गुड़हल में कुछ काम कर लेने चाहिए। सबसे पहला काम जो है इनकी प्रूनिंग करना। अगर गुड़हल के प्लांट काफी ज्यादा लैगी हैं, काफी पुराने प्लांट हैं, तो आपको फरवरी से मार्च मिड तक आपको इनकी प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग करेंगे तो इस तरीके से न्यू ग्रोथ होंगी, और जब प्लांट में न्यू ग्रोथ होगी तभी उनमें नई ब्रांचेस बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी और उनमें बहुत सारे फूल खिलेंगे। दूसरा काम, पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, जितना ही पौधे को सनलाइट मिलेगी प्लांट उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर आप सनलाइट में कम रखेंगे और डेली इसमें आपको लगेगा इसमें पानी नहीं है, इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिख रही है, जब पानी ज़्यादा कर देंगे तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी। प्लांट आपका चाहे कितना भी हेल्दी हो लेकिन ज़्यादा पानी की वजह से जो है प्लांट आपका धीमे धीमे से खराब होने लगेगा। तो गुड़हल के प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में रखिए। कम से कम अगर आपके यहाँ पर बालकनी है तो 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो ऐसी जगह पर आप गुड़हल को रखिए, तो आपका प्लांट जो है सालों साल अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और फूल भी काफ़ी आते रहेंगे। तीसरा काम, अगर आपका प्लांट पुराना है तो इस टाइम पर आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो प्लांट में न्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छे से आएगी, और ब्रांचेस बनने के साथ साथ न्यू ब्रांचेस बनेंगी, उसके साथ साथ जो है रूट्स भी नई अच्छे से डेवलप हो पाएंगी, और जब पौधे को नई मिट्टी मिलेगी तो पौधा और तेजी से ग्रोथ करेगा। तो गुड़हल के पौधे को हेल्दी रखने के लिए ये 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब पौधा बहुत ही हेल्दी हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पौधा बहुत हेल्दी है, इसमें थोड़ी सी आपको डस्ट दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी स्प्रे करूंगी, पानी से नहलाऊंगी तब जाके ये साफ होगी, तो इस तरीके से डेली डस्ट हो जाती है। तो जब प्लांट हमारा हेल्दी हो जाता है तो इसमें कीट पतंगों का अटैक भी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसमें मिलीबग लगते हैं, एफिड्स लगते हैं, तो जैसे ही थोड़ी सी धूप तड़कती हुई रहती है तो इन प्लांट्स में बहुत ज्यादा अटैक होता है। गुड़हल के प्लांट जो है मिलीबग से बहुत ज्यादा ग्रसित रहते हैं। मेरे प्लांट में तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी यदि गुड़हल के प्लांट में किसी भी प्रकार के कीट पतंग लगे हुए हैं तो आप घरेलू नुस्खों से किस तरीके से इनको हटा सकते हैं। उसके पहले मैं आपका अपना जो है अजमाया हुआ नुस्खा बता देती हूँ, चाहे मेरी कमजोरी बता देती हूँ। अगर आप गुड़हल के पौधे में डेली टाइम से वॉटरिंग नहीं करेंगे, अगर आपका प्लांट काफी अच्छा हेल्दी है, उसकी रूट्स काफी अच्छी डेवलप हैं, और अगर आप उसको टाइम से वॉटरिंग नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से भी प्रॉब्लम होने लगती है। टाइम बे टाइम वॉटरिंग देने से जो है पत्तियां इस तरीके से येलो होकर गिरने लगती हैं। ये जो मेरा गुड़हल का प्लांट है हाइब्रिड गुड़हल है, रेड कलर का फ्लावर आता है, काफी बड़े साइज का फ्लावर रहता है, तो इसमें जब मैं थोड़ा सा भी पानी लेट कर देती हूँ तो इसकी पत्तियाँ जो है मुरझरा जाती हैं और इस तरीके से पीली होकर गिर जाती हैं। तो अगर आप टाइम से थोड़ा सा पहले पानी दे दें, गर्मियों में जैसे हमारे यहाँ पर ओपन टेरेस है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो सुबह 10 बजे तक आराम से जो है ये मिट्टी पूरी ड्राई हो जाती है। तो अगर आप टाइम से पहले इनमें गुड़हल के पौधों में वॉटरिंग कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो जिस तरीके से मेरे प्लांट ऐसे हो जाते हैं आपके भी हो जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो है हम पेस्टिसाइड की बात कर रहे थे कि हम कौन सा कीटनाशक डालें। कीटनाशक तो बहुत तरीके के रहते हैं, लेकिन गुड़हल के प्लांट के लिए अपने पास में जो है आसानी से जो कीटनाशक मिल जाए हमको वही यूज करना। कीटनाशक बनाने के लिए हमको लेना है स्प्रे बॉटल, मेरी जो है 1 लीटर की स्प्रे बॉटल है, तो 1 लीटर की स्प्रे बॉटल के हिसाब से मतलब 1 लीटर का जो है पेस्टिसाइड हम बनाएंगे।
तो 1 लीटर की स्प्रे बॉटल में मैंने पानी भर लिया है। स्प्रे बॉटल का यूज करते हैं तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप इसमें वाटर फिल करते हैं तो थोड़ा सा खाली रखिए, जिससे कि जब हम एयर इसमें भरते हैं तो जो है हमारी बॉटल फटनी नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी सा स्पेस होना चाहिए एयर जाने के लिए। अब आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये स्पून में, ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड का काम करता है हमारे पौधों में। अगर आपने इसको यूज नहीं किया है तो आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसको आपको हफ्ते में एक बार आपको यूज करना है, चाहे आपके पौधों में कीट पतंग हुए हों या ना हुए हों। ये जो आप लिक्विड मेरे हाथ में देख रहे हैं ये जो है क्लोथिंग लिक्विड वॉश, मतलब कि कपड़े धोने वाला जो लिक्विड आता है वो है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप जो है इसकी जगह पर जो हमारे बर्तन साफ करने वाला लिक्विड डिश वॉश आता है उसका आप यूज कर सकते हैं। ये जो है कितना यूज करना है इसकी मात्रा भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपके पौधों में किसी प्रकार का डैमेज ना हो। 1 लीटर पानी में हमको 3 से 4 ड्रॉप ही डालना है, इससे ज्यादा हमको नहीं डालना है। तो ये कुछ धारीदार हो गया है, तो बहुत ज्यादा नहीं, कम रहेगा चले। लिक्विड डिटर्जेंट की मात्रा हमको ज्यादा नहीं रखनी है। अब इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हमको पौधों की पत्तियों पर बहुत अच्छे से इस पे तेजी से स्प्रे करना है। जहां भी इसमें मिलीबग एफिड लगे हों तो वहां पर आप तेजी से करें। कलियों पर भी डाल सकते हैं, फ्लावर पर आपको यूज नहीं करना है। पत्तियों को अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके आपको स्प्रे करना है। इस तरीके से स्प्रे करेंगे और इसका स्प्रे जो है आपको मॉर्निंग के टाइम पर ही करना है, शाम के टाइम पर स्प्रे नहीं करना है, मॉर्निंग के टाइम पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में आप 20 से 25 मिनट बाद इसको प्रॉपर जो है ठंडे पानी से साफ कर देना है, जो कि हमारा ये लिक्विड डिटर्जेंट है तो ये जो है अच्छे से वॉश हो जाएगा। अब ये जो आप थोड़े से ये जो बबल्स की तरह देख रहे हैं, इसकी वजह से जितने भी मिलीबग एफिड रहेंगे तो उनको जो है थोड़ी सी चिकनाहट मिलती है, जिससे वो है नीचे जो हमारे गमले की सतह है उस पर गिर जाते हैं। अब इस लिक्विड का आपको यूज करना है हफ्ते दर हफ्ते, मतलब कि एक हफ्ते के बीच में आपको इसका यूज करना है। मतलब अगर आपने संडे को यूज किया है तो नेक्स्ट संडे फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। 3 से 4 बार यूज करेंगे तो आपके पौधों से मिलीबग एकदम से ही हट जाएंगे। अगर नीचे मिट्टी में गिर गए हैं मिलीबग तो उनको जो है आप साफ करके हटा दें। तो फ्रेंड्स ये बात तो हो गई पेस्टिसाइड की। इस तरीके से आप घरेलू तरीके से भी आप जो है अपने पौधों में मिलीबग एफिड को हटा सकते हैं। चाहे पौधों में मिलीबग लगे हो या ना लगे हो, लेकिन अभी जो है जैसे ही गर्मियां आने लगी हैं आपको हर संडे मतलब कि एक दिन आप फिक्स कर लीजिए और आपने अपने पौधों में सभी पौधों में इसका स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि पौधे में अगर मिलीबग लगने की समस्या हो, एफिड लगने की समस्या हो तो बिल्कुल भी ना हो। और गर्मियों में जो है पौधों को बहुत अच्छे से सावरिंग कराइए, तो इससे जो है पौधे जो है पेस्टिसाइड से जो पेस्ट अटैक होते हैं उनसे ग्रसित नहीं होंगे। और एक बहुत जरूरी बात, गर्मियों में जैसे ही अब गर्मियां थोड़ी सी पड़ने लगी हैं, पौधों पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए। जब भी आप आए तो अपने पौधों की पत्तियों को अच्छे से देखिए, पौधों के स्टेम को अच्छे से देखिए कि कहीं इनमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों का अटैक तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने बोला है कि आप जो है एक रूटीन फिक्स कर लीजिए कि हमको जो है मंथ जो है वीक में एक बार पेस्टिसाइड का यूज करना है, चाहे हमारा घरेलू पेस्टिसाइड हो या जो है आप जो भी यूज करते हो उसका हफ्ते में एक बार यूज करें। क्योंकि कई कमेंट मुझे ऐसे आते हैं कि हमारे पौधों में बहुत ज्यादा एफिड ब्लैक कलर के कीड़े का अटैक हो गया है या जो है मिलीबग का अटैक हो गया, हम कैसे ठीक करें, बहुत परेशान है, हमको पौधा बचाना है। तो बात यही होती है कि अगर आप थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं पौधों को, तो जो है अगर पौधे हेल्दी ग्रोथ करते रहते, आपने बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर दिया है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही, जैसे ही हरी हरी पत्तियां दिखाई देती हैं पेस्ट इनमें अटैक करना चालू कर देते हैं। आप थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं तो पेस्ट जो है बहुत ही तेजी से उनमें उनको पौधों को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है पौधे हमारे एकदम से डेड होने लगते हैं। क्योंकि जितना भी उनका जो रस रहता है, पौधों की जितना भी न्यूट्रिशंस रहते हैं, वो जो है सब उसको चूस लेते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान देना है और हमेशा सावरिंग करते रहना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से धीमे धीमे अटैक होता है। यहाँ पर देखिए ये मिलीबग धीमे धीमे अटैक कर रहा है, तो मैं जो है इसको आज जो मैंने पेस्टिसाइड बनाया है उससे बहुत अच्छे से स्प्रे कर दूंगी। अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है ये बर्ड्स ओपन होने वाली हैं, जब हम इनमें थोड़ा इसमें डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा जो है स्प्रे हो जाएगा, तो इसके फ्लावर जो है थोड़े से बर्न जैसे हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी इसका यूज नहीं कर रही हूँ।
इस तरीके की कलियां रहती हैं, दिक्कत नहीं करती हैं, लेकिन फ्लावर जैसे ही ब्लूमिंग की तरफ आ जाते हैं, जैसे कि आज ये ब्लूम होने वाले हैं, तो इन फ्लावर पर आपको जो है बिल्कुल भी पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। तो ये तो एकदम जुड़े हुए हैं, तो आज ही फ्लावर ब्लूम हो जाएंगे तो कल मॉर्निंग में इन पर मैं स्प्रे कर दूंगी। तो इस चीज का आप ध्यान दें, जब बहुत ज्यादा एफिड्स और मिलीबग्स हो जाते हैं तो हमारे जो है देसी नुस्खे बहुत कम असर करते हैं, क्योंकि 3 से 4 बार भी हम उनको यूज करते हैं तब भी, क्योंकि पूरी ही जो स्टेम्प रहती है उसमें अच्छी तरीके से वो घर बना लिए रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि प्लांट को टाइम दीजिए, और टाइम देने के साथ साथ में उनको ध्यान दीजिए कि इन पे किसी भी प्रकार का अटैक तो नहीं हो रहा है। अब यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे कि मेरे प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, आपने प्रूनिंग कर दी है, मैंने भी प्रूनिंग कर दी थी अपने प्लांट की, तो हमारे यहाँ पर जनवरी एंड में ही बहुत अच्छा फेवरेबल जो है वेदर था, तो मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी। तो अब देखिए ग्रोथ होने लगी है, तो ग्रोथ के साथ साथ जैसे ही बड्स आएंगी पौधों में, तो हमको इनकी बड्स को ओपन कराने के लिए, बड्स का साइज बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर देना रहता है वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। या फिर कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जिनको हमको प्रूनिंग करने की जरूरत नहीं रहती है, न्यू प्लांट ऐड किए रहते हैं, 4-6 मंथ के रहते हैं, तो उनमें फ्लावरिंग बड्स बनी रहती हैं, उनको अच्छे साइज के फ्लावर बने, फ्लावर बड्स ड्रॉप ना हो, पत्तियां पीली ना हो, तो उसके लिए फर्टिलाइजर बताने जा रही हूँ, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गुड़हल का प्लांट है, ये हाइब्रिड गुड़हल है और कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, तो देख सकते हैं इसमें काफी अच्छी ब्रांचेस भी आ रही हैं, इनमें बर्ड्स भी बन रहे हैं और फ्लावर भी, आज 2 फ्लावर ब्लूम होने वाले हैं, कल जो है कल परसों में 1 फ्लावर ब्लूम होगा। तो अब इसके फ्लावर के साइज अच्छे हों, बर्ड्स अच्छे से ओपन हो, बर्ड्स ड्रॉप ना हो, और जो है कलियां अच्छे से बनती रहे, पत्तियां पीली ना हो, उसके लिए हम अपने पौधे को देंगे ये जो है घरेलू फर्टिलाइजर, ये है बनाना पील, सूखे हुए बनाना पील है। सूखे हुए से मीन्स ये नहीं है कि हमको जो है बनाना के जो छिलकों को धूप में रख देना है सुखाने के लिए, केले के जो छिलके रहते हैं इनको हमको धूप में नहीं सुखाना रहता है, इनको सेमी शेड प्लेस में सुखाना रहता है, मतलब कि जहां पर छाया वाली जगह हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहां पर रखने का इनको, तो इनमें जो है इनडायरेक्ट सनलाइट लगती है, उससे जो है इनका पोषण भी बना रहता है, और जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। धूप में अगर सुखा देंगे तो जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट वो सब गायब हो जाएंगे, जिससे कि अगर आप इसमें फर्टिलाइजर देंगे भी तो आपके पौधे में कोई प्रकार का असर नहीं होगा। तो इसको देने के लिए मैं थोड़ा सा मिट्टी को साइड करूंगी, आप चाहें तो रिंग साइड में चारों साइड डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं यूज कर चुकी हूँ अपने पौधों पर 15 दिन पहले, इस तरीके से मैं रिंग साइड में ही डाल के दिखा देती हूँ, ऐसे रिंग साइड करके, मतलब साइड साइड मिट्टी करके आपको ऐसे डाल देना है। अब आप चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, आपके पास में फ्रेश बनाना के छिलके हैं तो उनको आप रात को भिगो कर रख दीजिए, 3-4 बनाना के छिलके 2 नाइट के लिए रखिए, और तीसरे दिन जो है सुबह के टाइम पे आपको दे देना है। आपको ये फर्टिलाइजर शाम के टाइम पर नहीं देना है, सुबह के टाइम पर ही देना है, चाहे लिक्विड दें चाहे ड्राई दें, सुबह के टाइम इसलिए देना है कि मॉर्निंग में धूप लगती है तो अच्छा रहता है फर्टिलाइजर देने में, नहीं तो जो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं या फ्रेश बनाना के छिलके आप इनमें डालते हैं तो आप इसी तरीके से करिए, मॉर्निंग के टाइम पर दे दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इवनिंग के टाइम पर जल्दी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए इस तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और पानी डालना हो तो पानी डाल दीजिए, मैं पानी डाल दे रही हूँ, मिट्टी वैसे मेरी काफ़ी ज़्यादा नमी है लेकिन तब भी पानी डाल दे रही हूँ, तो ये जो है बहुत जल्दी डीकम्पोज होने लगे हैं, क्योंकि बनाना के जो छिलके रहते हैं, केले के छिलके, उनकी जो है लेयर काफ़ी पतली रहती है, जो छिलके रहते हैं इनकी लेयर काफ़ी पतली रहती है, बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो जैसे जैसे डीकम्पोज होगा हमारा पौधा हेल्दी ग्रोथ करने लगेगा। तो ये जो है एक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए, चाहे जो है ड्राई फॉर्म में दीजिए, चाहे आप एकदम पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, इसको कभी भी अपने पौधों में दे सकते हैं पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए। इसमें वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन पोटेशियम भरपूर मात्रा में रहता है, जो कि हमारे पौधों की फ्लावरिंग को बूस्ट करने में मदद करता है, पत्तियाँ पीली नहीं होने देता है और पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। तो यदि आपके पौधे जो गुड़हल के पौधे में उन अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं या पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, फ्लावर ब्लूम नहीं हो रहे हैं,
तो जो तरीके आज मैंने आपके साथ में शेयर की हैं, अगर आप इस तरीके से अपने पौधे पे काम करेंगे तो पौधे आपके हेल्दी ग्रोथ करेंगे और छोटे छोटे पौधे में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगेगी। प्लांट आप देख रहे हैं काफी छोटा सा है, लेकिन कटिंग से लगा हुआ प्लांट है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अगर आपने प्रूनिंग करी है तो जो बची हुई टहनियां हैं उनको कटिंग से लगा लीजिए तो आपके पौधे बहुत सारे बन जाएंगे। इस टाइम पर बहुत ही फेवरेबल मंथ है, अगर आप चाहेंगे तो आपके पौधे जो है कटिंग से बहुत आसानी से रेडी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।